एक दफा की बात है, एक छोटे से जंगल में दुबले पतले पांव वाला हिरन रहता था। वो हर रोज सुबह जल्दी से जंगल में गजा तलाश करने निकलता और शाम को गरा कर अपनी छोटी सी घास खाता था। और फिर एक दिन जब वो जंगल के सामने वाले दरिया की तरफ चल रहा था, अचानक एक चलाक लोमड़ी उसके पास आई। लोमड़ी ने हिरन को देखकर कहा, हेलो, आप बहुत खूबसूरत और तेज दौड़ते हो, क्या आप मेरे साथ खेलना चाहोगे? हिरन ने खुशी से मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे साथ खेलना चाहती हैं। और इस तरह दोस्ती की सड़क पर दोनों खेलने लगे। लोमड़ी बहुत तेज दौड़ती थी और हिरन उसके पीछे बहुत मेहनत करता था, लेकिन वो बहुत खुश था कि वो लोमड़ी के साथ खेल रहा है। एक दिन जब हिरन बहुत थक गया, उसने लोमड़ी को रोककर कहा, मुझे अब आराम करने की जरूरत है, क्या अब मैं घर वापस चला जाऊं? लोमड़ी मुस्कुराकर बोली, बेहतर है कि आप मेरे घर चलें, वहां बहुत सारी खुशियां मनाएंगे। लोमड़ी के घर जाते हुए वहां बहुत सारी मजेदार खाने की चीजें तैयार हुई थी। हिरन ने कुछ खाने के लिए तैयार होने का इंतजार किया, लेकिन लोमड़ी ने अचानक दरवाजा बंद कर दिया और उसने कहा, मुझे माफ करें, लेकिन मैंने सोच लिया है कि मैं आपको खा लूंगी, आप बहुत मजेदार लग रहे हो। हिरन ने चीख कर कहा, क्या आप मेरी दोस्ती का मजाक उड़ाना चाहती हैं? आपने मुझ पर भरोसा किया था और मुझे अपने घर में मधु किया था। उसके बाद हिरन ने लोमड़ी के घर से जल्दी भागकर अपने घर की तरफ चलना शुरू किया। वो आहिस्ता आहिस्ता दौड़ रहा था ताकि लोमड़ी उसे पकड़ ना सके। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें वो लोग चुनने चाहिए जो हमें सच्चा प्यार देते हैं और हमारी खुशियों की कदर करते हैं, और हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो सिर्फ अपने फायदे के लिए हमारा इस्तेमाल करते हैं।